Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Assalamu alaikum Bangladesh. Kemon ache shobhai asha kori apnar shobhai bhalo ashen. Friends, ami naim channel par welcome back. Aaj is video pe main reaction leke aaya hu. Video ka title hai Pakistani Products in Bangladesh. To Dhaka mein jo hai Pakistani Products ke kuch stall lagaye gaye to Bangladeshi peoples ne kitna like kiya hai un products ko. तो देखते हैं आज का ये वीडियो. वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो बिना कोई देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट. है वी गो. बांग्लादेश के दारुल खिलाफा ढाका के मुकामी होटल में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जरिए तमाम 5 रोजा दूसरी मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 100 से ज्यादा ताजरों ने 60 स्टॉल्स लगाए. इन स्टॉल्स में टेक्सटाइल की मसनूआत, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, पंखे, बैंक, ज्वेलरी, पीआईए, सीएनजी किट्स समेत बाकी चीजें भी शामिल थी. नुमाइश के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है इस नुमाइश का बड़ा हदफ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग है. आप यहाँ के क्राउड को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ कितनी पॉपुलर हैं, और हम समझते हैं कि सार्क रीजन के अंदर अगर हमने इस एरिया को डेवलप करना है तो रीजनल तरक्की देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी मार्केट यहाँ मौजूद है. हमें इंडस्ट्रीज को, हमारे बिजनेसमैनों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है. हम पाकिस्तान के लिए जो है एक सर्विस के तौर पर इसको जो है वो करते हैं, और इसमें जो है हमारा जो है तआवुन आप जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है, और यही ख्वाहिश है हमारी कि हम मेड इन पाकिस्तान को जो है दुनिया के हर कोने में लेकर जाएँ. तकरीब का इफ्तिताह करने वाले बांग्लादेश के वजीर तिजारत जी एम कादर का कहना है पाकिस्तानी मसनूआत अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. दिस इज अ गुड थिंग. पाकिस्तानी दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर्स नॉट ओनली जस्ट एक्सपोजेज द प्रोडक्ट्स, दे एक्सपोजेज द बिजनेस पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंट्रीज, एंड वी आर होपफुल दैट वील बी हैविंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ फेयर्स इन पाकिस्तान विद इन अ शॉर्ट टाइम. बांग्लादेश में तैनात पाकिस्तान के हाई कमीशन अफजाल महमूद ने इस मौके पर कहा कि यहाँ पाकिस्तानी मसनूआत की भरपूर मांग है. बांग्लादेश एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत पोटेंशियल है. किसी तरह के पाकिस्तानी चीज़ आप यहाँ पे लेके आते हैं तो बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी गुड्स इट इज़ वैल्यूड अ लॉट हियर और वो बिकती है. नुमाइश में शिरकत करने वाले ताजर बांग्लादेशियों की मेहमान नवाजी और पाकिस्तानी मसनूआत की मांग पर अपने भरपूर जज्बात का इजहार किया. मुझे ये एग्जीबिशन लास्ट टाइम से कहीं मतलब लेवल ऊपर ये मुझे एक अच्छी लगी है, क्योंकि इसका जो मार्केटिंग का जो मैं कहता हूँ एक जो मतलब बड़ला साहब जो मार्केटिंग करते हैं लाइक वो तो नो डाउट मुझ पर कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो मतलब मास मार्केटिंग पे जाती है, लेकिन एक पीपल में अडॉप्टी मुझे नज़र आ रही है कि पीपल आर मतलब लाइकिंग आवर प्रोडक्ट्स और उसको वो लेना भी चाह रहे हैं और वो यूज़ भी कर रहे हैं. काफ़ी जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी दिन गुजरे हैं एग्जीबिशन के वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, हर तरह से एक यानी देखने में आया कि इसको प्रॉपरली फॉलोअप किया जा रहा है. और ये एग्जीबिशन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी एग्जीबिशन प्रॉपरली जिस जगह पर हो रही है वहाँ पर एडवर्टाइज हुई हो, वहाँ के लोकल लोगों को पता हो, क्योंकि वो आएंगे तो वो आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे. बिल्कुल. और फिर जहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे बाकी जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाली मेरा स्टॉल नहीं, जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उन सारों ही को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है. पाकिस्तान के नए सॉफ्ट इमेज इससे नज़र आ रही है पाकिस्तान की, और कितनी कैपेबिलिटी है हमारे पाकिस्तान में वो पता नज़र आ रही है, और टेक्सटाइल के हवाले से बहुत हमें अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे, और नियर फ्यूचर वी विल बी कमिंग बैक अगेन. दोनों ममालिक के दरमियान बहुत अच्छे रहते हूँ, मेरा खुद यहाँ पर स्टॉल है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का और लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, और खसूसन पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ में बहुत दिलचस्पी और उनका एतमाद है इस चीज़ पर. हमारे ऑर्गेनाइज़र जो हैं उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और बांग्लादेश में जो माशाल्लाह हमें लोगों की मोहब्बत मिली है और अप्रिशिएट भी किया लोगों ने हमें, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बांग्लादेश वालों की. पहला एक्सपीरियंस अच्छा था इसलिए दोबारा भी मुझे ये खींच लाया है इसकी अट्रैक्शन. बिल्कुल जी. तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की हर चीज़ ऐसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. लोगों को मतलब पाकिस्तान के बारे में वैसे ही काफ़ी कुछ जानते हैं और प्रोडक्ट्स का बहुत शौक है उनको पाकिस्तान के बारे में. इनकी जो है वो लाइकिंग बहुत ज़्यादा है अबाउट द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन ऑल द स्टॉल्स ओवर हेयर, दे आर लाइकिंग द स्टॉल्स. बहुत अच्छा कस्टमर है यहाँ पर ढाका में, बिजनेस बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम से भी बहुत अच्छा एग्जीबिशन जा रहा है. लोग हैंडमेड चीज़ें पसंद कर रहे हैं, स्पेशली मुल्तान की कढ़ाई की चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं मोस्टली लोग.
نمائش میں ہزاروں افراد نے وزٹ کیا، ان کی یہ خواہش ہے کہ اس طرح کی نمائش ضرور ہونی چاہیے۔ بالکل، یہاں پر تو بہت ساری کپڑا ہے، بہت اچھا اچھا کپڑا ہے یہاں پر، سانا سفینہ، سانا سامیہ، یہ سب سب کپڑا ہے، اور اچھے، زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، ویسے مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگا ہے، یہاں پر بہت کم دام میں مل رہی ہے۔ ہر سال ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو پتہ چلے کہ کیا، سب سے بڑی بات ہے ریلیشنز کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بڑھے، یہ تو ایک دوسرے ملک کے لیے دوستی کا پیغام ہے نا، ہونا چاہیے ایک تو بیشی آف کورس جو ہے تو یہی شیئرٹونے ہوتے ہیں سو بیشیٹائی ریزنیبل ایکچولی میرے سب سالوار قمیض سب کچھ اچھا لگا سالوار قمیض بہت اچھا لگا اسپیشلی پاکستانی پروڈکٹس آر ویری لائکیبل ان آور کنٹری بنگلہ دیش آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے سم لیڈیز ڈریس لیڈیز ڈریس آر ویری نائس آسلے ہمارے میڈلر جنس گلے بھالو لگے اور کچھ قمیض تو بھالو لگے نمائش میں شرکت کرنے والے پاکستانی تاجر اور وزٹ کرنے والے لوگوں کے جذبات اور رائے اس نمائش کی بھرپور کامیابی کی عکاسی کرتی ہے۔ اوکے گائز، تو یہ تھا آج کا ویڈیو، بہت ہی زبردست پاکستانی پروڈکٹس کو بہت لائک کیا گیا بنگلہ دیش ڈھاکہ میں، اور ایسا ہونا چاہیے یہ ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ پرانا ویڈیو تھا کہ آئی تھنک بعد میں مطلب ایسا اسٹال لگائے گئے بنگلہ دیش میں جا کے کہ نہیں، اس کا کوئی ویڈیو نہیں ہے، اگر لگائے گئے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی ویڈیو ہے تو اس کا لنک ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ اس اسٹال لگانے کی وجہ سے پاکستان کے جو ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر ایسا ہوتا ہے پروڈکٹس جو ہیں پاکستانی بنگلہ دیش میں بکتی ہیں اور بنگلہ دیشی پروڈکٹس اگر پاکستان میں آتی ہیں تو اس سے ریلیشن جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے بہت بہتر ہوں گے، کیونکہ بنگلہ دیش ہمارا بردر کنٹریز ہے۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، گڈ بائے، اللہ حافظ، شست تھاکن، بھالو تھاکن۔